पुराने वक्त के नजूमे ने कहा था कि जो शख्स सुबह इस आएंगे आप मेरे मुंह से आएंगे आप मेरे मुंह से आएंगे पना घर पना मकान में खड़गे इतना हमारा इतना हमारा था कि वक्त सफेद पोश लोग जैसे मैंने वो पोछते इतना समय करने के बाद उसी की हालत में वो जाते हैं सुबह पर नसीब आप घर के फना मकान के पास फला जगह सोए हुए आप जाके जगाया उस कुएं पर पत्थर मार के भाग जाता है वो तेरे पेटी पहले तूने कहा कैसे हो वो से लोग कहते हैं यार हमारी नसीब खराब है आपकी नसीब नहीं खराब पेश करना तारा हमारी नसीब बदलने वाला है दोस्तों आज मैं आपको मुख्तसर सी कहानी बताऊंगा कहानी इतनी बड़ी नहीं है दो भाई थे दो भाई इस तरह थे कि एक अमीर था और एक गरीब था वो गरीब था ईद का मौसम था वो आया अपने भाई के पास उसने कहा कि मैंने ये भी गुजारनी है मैं क्या करूं तो वो अपने बड़े भाई के पास गया कि मैं अपने बड़े भाई से कुछ पैसे मांगू रमजान का महीना था वो रोजा रख के अपने घर से निकला जैसे ही वहां पहुंचा अपने भाई के पास वहां उसने इफ्तारी की उसने भाई ने कहा कि आप आराम करें स्वयं तो इंशाल्लाह आप सुबह जाइएगा जैसे वो आराम लेते सही का वक्त हो जाता है वो सही करते हैं सही करने के बाद उसका भाई कहता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप ना बैठ जाए तो देखता है जैसे इफ्तारी करता है भाई कहते रुक जाओ फिर वो रुक जाता है अगले दिन क्या होता है कि वो देखते हैं कि रात के वक्त ना सफेद पोश लोग जैसे मैंने पहना हुआ है आप पर ऐसे लोग लिबास पहने हुए एक जगह पर चढ़ रहे हैं उसके घर की बैक साइड से चढ़ रहे हैं उसके घर की फ्रंट साइड से चढ़ रहे हैं उसने देखा भाई देखो तो सही है बादशाह क्या है उसने बंदा देखा उसने एक बंदे को पकड़ा उसने उसको पकड़ के इतना मारा इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता उसके बाद उसने कहा कि हम तुम्हारे भाई के नसीब हैं तुम्हारे भी नसीब फना जगह फना घर फना मकान में पड़े हुए हैं बस तेरा काम है वहां जाके क्या करना उठाना अब वो तेरे पेटी पहले तूने कहा कैसे उठाना जैसे सुबह होता है उसका भाई से पैसे देता है वो वैसे ही निकल जाता है माजरे दोस्तों बेले में पानी आ रहा था तो जाते सुबह वहां पर बदकिस्मती से एक बादशाह होता है तो बादशाह होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बीमार होता है वो आखिरी स्टेज पे होता है वहां की जो नजूमी थे ना आपको पता है कि पुराने वक्त में काफी नजूमी होते थे तो पुराने वक्त की नजूमी ने कहा था कि जो शख्स सुबह इस रास्ते से गुजरेगा इस वक्त पर उसने फोन से आपने नहाना है आप रहेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे तो फर्क क्या होता है कि वो जो बादशाह होते हैं जो अपने उसके दो होते हैं वजीर उनको खड़ा कर देता है उस रोड पर और बदकिस्मती से जो गरीब इंसान था वो भी उसी रोड से जा रहा था कि मैं अपने नसीब पर जाऊँ जाके जमाऊँ वहां पर वो पहुंचते हैं इतना सफर करने के बाद वजीर की हालत में वो जाते हैं उस कुएं पर पत्थर मार के भाग जाता है और देखेंगे वो भागता कैसे है कि जैसे वो जा रहे होते हैं वहां से बादशाह के वजीर खड़े होते हैं अब वजीर क्या करते हैं उसको पकड़ लेते हैं अब वजीर कहते हैं कि बादशाह के पास आपको लेके जाना चलो जी वो बादशाह के पास भी ले जाते हैं बादशाह उसके पास होता है वो बादशाह कहता है कि बैठे इनकी खिदमत करें वो इनकी खिदमत इतनी करते हैं कि वो कहते हैं मैं तो नसीब बाकी बदल गया मेरे नसीब सोए हुए थे बादशाह कहते हैं दो दिन बाद कहते हैं कि आपका ना मैंने कौन से नहंग वो परेशान मैं तो आगे गरीब बंदा हूँ मैंने बीवी बच्चे हैं उसने कहा चले ठीक है देख लेते हैं नहा लेते हैं गरीब बहुत ही समझदार इंसान था वो कहते हैं कि समझदारी ही इंसान के काम आती है उसने क्या किया उसने बादशाह से तीन मरतबा पूछा कि आप मेरे मुंह से नहाएंगे आप मेरे मुंह से नहाएंगे आप मेरे मुंह से नहाएंगे वो कहते हैं जी मैंने फोन से नहा रहे उसने क्या किया यहाँ पर कट लगाया और ऐसे ही देखे उसने बाल्टी में लिया और ऐसे बोल दिया उसने जैसे ही बोया तो कुंह आपको पता जब पानी में जाता है तो मुंह तो काफी दाल में आता है तो वो नहाने लग गया ठीक है वो इतना है कि मतलब पूरी जो बाल्टी थी ना उसका रंग मतलब पूछ से बदल गया अब क्या हुआ कि जब फाशे नहाया वो फोन से बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया बादशाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि उसने उसको अपनी आधी सफर दी अपने वजीर पर कैसी बात है मैं यही कहूंगा कि आप क्यों नहीं जगाते इस बात का नहीं पता दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करें बहुत शुक्रिया।